नमस्कार, आप देख रहे हैं जिमसी आजकल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जो 2006 में अर्जेंटीना की ओर से फीफा विश्व कप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 2008 में उन्होंने अर्जेंटीना ओलंपिक फुटबॉल टीम के साथ बीजिंग में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने फैंस को दिया एक बड़ा झटका। जी हाँ, मेसी ने फुटबॉल खेल जगत में अपना रिटायरमेंट प्लान सबके सामने रख दिया है। उन्होंने बताया है कि 2022 में कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। यह खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। वहीं उनके प्रशंसक इस चौंकाने वाले बयान से हैरान हैं। 2022 के बाद अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में होगा और तब तक मेसी की उम्र 39 साल हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं यही कारण है कि उन्होंने अभी से ही संन्यास लेने की बात की पुष्टि कर दी है, जबकि मेसी ने यह भी कहा है कि मैंने चोट के बाद वापसी की है और अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ और सिर्फ वर्ल्ड कप के दिन गिन रहा हूँ। सच तो यह है कि जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, नर्वसनेस बढ़ रही है। वहीं अगर बात की जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि मेसी के ही समकालीन रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो मुकाम हासिल किया है उस तक पहुंचना मौजूदा खिलाड़ियों के लिए शायद उतना आसान नहीं होगा, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में अपना परचम लहरा सकते हैं, मगर इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।